जब मुई मुई देख रहा बड़ी बहू खाली की मतलब पढ़ा लिखा रही उसे कछु नहीं कह रहे यार बैठ महारानी सी पढ़ ली की बहाना बनाया बहू 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 बड़ी बहू राम कली लग गई झाड़ू तनक में देखे बहू में झाड़ू लग रही के नहीं ओ बहू राम कली हाँ सा हाँ पर झाड़ू लग गई लगाई रे उसे नहीं कहती हमें हमें तो देख रहा आती वो बड़ी हल्की बहू से क्यों वो बड़ी बिगड़ बहाने बैठी तुम भी झाल लो अब हमें ओनो ओनो भी अभी भूल रहे हैं हम झाल बोला भू से क्यों हल्की बहू से हमें भी पढ़ने दे सी पाप पढ़ रही सो उसे भी हम क्या है बर्तन मान भी बर्तन डरे अब गोगो हमें निकल के जाओ वही से करो आओ हम क्या करें सो अब हम उनसे क्या रहे बर्तन मान भी जाते हो जाओ हमें हमें लग बड़ी बहू बड़ी बहू बड़ी बहू वो हल्की से निकल भी पापा मैं जा रही हूँ ना का कर रही बहू तुम मम्मी जी मैं पढ़ रही हूँ तुमने किने बोल दी तो मैं तो पढ़ रही ना कुछ काम कर रही मम्मी जी हमें पढ़ने हैं बड़ी बहू कह रही है कि हमें डॉक्टरी करने बीएनसी नर्सिंग तो चलिए बटर मान लो तना मम्मी जी मैं नहीं जा रही वो बड़ी दीदी से कह दो फिर कर ले है कितना काम कर अभी रोज का के नहीं दब का के नहीं है हम कर तो बड़ी बड़ी देखा दीदी मैं अभी पढ़ रही हूं ना आपने पढ़ाई की है हमें भी पढ़ना हम भी कैसे करते हैं जाओ तो मम्मी घर की मम्मी से क्यों पढ़ाई मम्मी से क्यों जाओ मम भाई का कर रहे हैं भाई तुम्हें तो भाई कुछ का के तो हमें हमें कह रहे थे हमें भी पढ़ना हमने घर की लान छोड़ दी पढ़ाई है तुम का तुम्हें तो का हमें हमें दिखा है चुप पढ़ाई करना मम्मी मम्मी हम अगर भाई तेरे नहीं पढ़ाई नहीं छुटवाएगा तो मैं मार के चली जो देख लेगी रख दो बेटा मैं कुछ काम ना करूं मम्मी हमें नहीं रखते हमें मम्मी पापा ने इतनी पढ़ाई करी हमें भेजो के पढ़ाई करियो तो सुख मिले तुम्हें हां भाई की लाज तुम भी आओ सब पढ़ाई धड़ाई में कछु नहीं धरो जा हमें नौकरी लगवाने अपनी नौकरी लगवाने तो बोलो कछु तुम का करे जाओ जल्दी से किताब किताब रखो पढ़ो मम्मी काम कर हमें मम्मी पापा ने इतना दई दई स्कूटी दई पूरा ट्रक भर दो सामान कूलर दई स्कूटी दई एसी दई गैस सिलेंडर दई जो पढ़ा रहे इनके में इनके माता बाप ने कह दे दो तुम भी तुम पढ़ रहे सही को मतलब जो नहीं के बिल्कुल बैठ ही रहे हो काम करो बर्तन मान जो हमने भी झाड़ू लगा लिया जब हमने जो किताब मार की हमें पढ़ने हैं घर को काम तो करने ही है चाहे जो हमें पढ़ने हैं हमें वे कितना काम करती रेड गुड मैं क्या हूँ छोड़ जाता हूँ हम जा रहे हैं अब बर्तन मान जी हाँ भाई तुम्हें पटक कौन गद दिया हाँ मम्मी पापा ने सुनते ही दो कर दिए कि घर में कौन जाएगा हमें ये जो लोग पढ़ाई लोनी करन देती हैं हमारे मम्मी पापा ने इतने अच्छे से भेजो तो मैं कहता है जाके अच्छे पढ़ियो लिखियो इतने आके हमें काम धंधा में लगा दो हमें पढ़ने तो इतने आके ना किसी बात ने इतने मान लेते हम जब पानी भरने पड़े दादी के पहले तो बहुत सपने दिखाए थे कि पढ़ा भी लिखा भी अच्छी नौकरी वोकरी लगवा भी पता नहीं हमें इतने ही बार बनाए थे मन में था रिश्ते लोग अलाद भी मोरी पढ़ाई तो धाई की धाई रह जाने पता नहीं है कहाँ से कह बहू कह यार रो रही मम्मी हमें नहीं धोने दे बर्तन आए तन और जी बर्तन का या पटाखे में लगी इतने सारे जने एक घर में क्या हमें यहाँ धरे ना जी पूरे बर्तन कह मान जी हाँ कह बड़ी बहू नहीं करत बात करत कितना काम तो हम लगा लेते झाड़ू उन्हें कहे हमें भेज दो तो बाय तुम मास
सब्जी काट दूं मैं जे जे दो ही बहू तो खाए जा रही बड़ी बहू इतनी अच्छी है तो काम करा जा तो कछु लग नहीं कर सब्जी काटे जा इतना पढ़ी लिखी है ऐसे ज्यादा बन रही कल की बहू पायल सब्जी बना ले मैंने काट दई बेटा गाय मम्मी अबे अबे तो हम बैठन दो के आज जा रहे सब्जी बना दो बड़ी बहू हम बना ले जी बड़ी दीदी से कह दो मैं बना ले सब्जी अब बड़ी बहू तो तना काम कर रहे इतनी भी कछु ऐसे गई थी गोबर था हम भी बना रहे यार सब्जी अब जी हम बैठे होता मैं आज नहीं बना दो तुम से इसको पकड़ो जब बड़ी बहू तो काम कर रही आटे चल रही बात तो कछु लोग नहीं कर रही कैसी आया जाती लो मम्मी उन्हें दे दो बड़ी दीदी दे रोटी बना रहे एक्टिंग एक्टिंग चली जा नहीं लो जाओ बड़ी दीदी से बनवाओ सब्जी सो अब अबे आटा मार रहे सो तुम बना लो जी सब्जी हमने काट के दे दी अब तो मैं दे दो लो बड़ी बहू से ज्यादा तारीफ करे ना उन्हें सब बनवा लो सब्जी सुबह आटा तो मार रहे जल्दी आए तो ना कितनी आई कितना लूसू।